प्याज काट लिए हैं, ये लाल मिर्चा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे। थोड़ा सा छोड़ेंगे पानी, इसे बहुत अच्छे से दबा के मिक्स करेंगे ताकि प्याज नमक इसमें मिला है तो गल जाएगा। थोड़ी सी और पानी डालेंगे। अब मेरा पानी की मात्रा सही है, अब खाली इसको हम मिलाते जाएंगे। इसे चुका है, अब हम छोटे छोटे ऐसे बनाएंगे पकौड़ी। इधर पक रहा चावल, पकौड़ी हमारा पक रहा है। देखिए कितने अच्छे से पक रहा है, फूल गया है। चटक गया बहुत तेज, नीचे गोल्डन ब्राउन हो चुका है। करी पत्ती भी हल्का सा पाउडर छोड़ेंगे। अब हम पिसा हुआ मसाला डालेंगे। पकौड़ी कितना अच्छा बना है, चाहो तो इसको चटनी के साथ खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब हम चनक बेसन ले लिए हैं, इसको पानी में घोल के बनाएंगे। उधर कढ़ाई में मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। चार पांच आम की खटाई ले लिए हैं, इसी साथ इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ी देर बराबर चलाते रहना है। हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। कढ़ी हमारा पक रहा है, इसको चलाते रहेंगे नहीं तो गिर जाएगा उबाल से। आज तेज है इसे, थोड़ी आँच स्लो कर दिए। आँच स्लो कर दिए, हल्का सा ढक के पका लेंगे। थोड़ा सा खुला रहेगा नहीं तो गिर जाएगा हमारा कढ़ी।
चावल मेरा अच्छे से हो गया है, अब उतार लेते हैं। कढ़ी हमारा पक चुका है, इसमें हम पकौड़ी डालेंगे, खटाई भी साथ में छोड़ देंगे। दो तीन मिनट और पका लेंगे, इसमें ढक देते हैं। तैयार है, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रही है। इधर चावल बना लिए हैं, देखिए मेरा चावल कितना अच्छा है, चिपक नहीं रहा है। मैं एल्युमिनियम के बर्तन में बना रही हूँ, लेकिन ये अच्छा काम नहीं है, मेरे घर पे है नहीं इसके अलावा, और जब कभी हो जाएगा तब एल्युमिनियम में नहीं बना खाऊंगी, बहुत नुकसान करता है, मजबूरी में बना रहे हैं। मैं ये खाना अपने ससुर जी के लिए निकाल रही हूँ। रोटी रख देते हैं।